हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे गाइज, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे। गाइज, आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। गाइज, ये रीडिंग में बहुत अच्छा लगा मुझे करना। लास्ट वाली रीडिंग पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है आपका। और गाइज, मैंने देखा कि बहुत कुछ मैंने जब खुद फील किया कि जब हम इस तरह के टाइम फ्रेमिंग में वीडियो करते हैं तो बहुत जल्दी चीजें हमें पता चल जाती है क्या होने वाला है, और होता भी है गाइज, ठीक है। तो मैंने खुद जब इस चीज को देखा तो मुझे लगा कि इस तरह की वीडियो आपके साथ में डेली बेसिस पे अगर मैं शेयर करूं तो बहुत आपको हेल्प भी मिल सकती है आपको अपनी लाइफ के अंदर। तो गाइज, चलिए देखने वाले हैं कि आज हम 24 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है गाइज। और गाइज, वन मोर थिंग, अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक करना, आपका अपना चैनल गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा गाइज। कॉल जब मैं आपको खुद करूंगी, जब आपके लिए मुझे रीडिंग करनी होगी, ठीक है गाइज, तो मैं आपको खुद ही कॉल करूंगी। प्लीज कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, मैं आपको रिस्पॉन्स आपको 100% मिलेगा, ठीक है। आपको वहां पे टाइम स्लॉट वगैरह सब दिया जाएगा कि आपको किस टाइम पे आपकी रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको वहां पे अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा। प्लीज कॉल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं एकदम से कॉल नहीं ले पाती हूँ, ठीक है गाइज। और गाइज, वन मोर थिंग, पूरी पॉजिटिवनेस के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आते हैं ना ये चीजें, उतनी ज्यादा आपके लिए वर्क करती है। तो डिवाइन को, एंजल को गाइज थैंक यू बोलिए, और चलिए इस रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लीज डिवाइन हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए आप नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ लेके आने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है इनके जीवन में, तो प्लीज हमें बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज 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 हेल्प करो गणपति बाबा मोरिया, प्लीज हेल्प कर दो मेरे व्यूअर्स के लिए। बताओ आप कि नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, प्लीज बताओ, प्लीज बताइए, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, दो कार्ड आए, अरे बहुत बड़ी एनर्जी आई है, फोर चक्र आया गाइज और सेवन चक्रा, ठीक है। एक दो कार्ड और निकालते हैं। ऑल टाई अप एंड डोर टू वैल्यू, ओके। कुछ टैरो की तरफ से भी निकाल लेते हैं गाइज आपके लिए कार्ड। एनर्जी बहुत पावरफुल आई है गाइज, यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आई है, यानी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे हम डिकोड करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, तो प्लीज बताओ एंजल, हमारे प्यारे प्यारे एंजल, हमारे गार्डियन एंजल, प्लीज बताओ। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, कप्स एनर्जी बहुत आ रही है, जस्टिस, अगेन कप की एनर्जी, एट ऑफ कप्स, टावर, थ्री ऑफ कप्स, हैंगमैन, ओके, फूल, बॉटम ऑफ द डेक है, अगेन कप्स, नाइट ऑफ कप्स। प्लीज दो मिनट दीजिए गाइस मुझे, मैं पहले कार्ड थोड़ा सेट कर लूं। गाइस देखो, मुझे यहाँ पे ना नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर एक फोर चक्रा, यानी आपका हार्ट, हार्ट की डिजायर, कुछ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरी हो रही है, हार्ट, कोर हार्ट डिजायर। ये ऊपर की डिजायर की बात नहीं हो रही है गाइज, ये कोर हार्ट डिजायर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीजें गाइज मैनिफेस्ट हो रही है, और वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही हैं। अब ये कंप्लीशन गाइज, कोर हार्ट डिजायर मुझे नजर आ रही है, ये आपके रिलेशनशिप में है, और बहुत ज्यादा है रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज्यादा ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर गाइज आप जस्टिस चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। आप बहुत टाइम से या तो किसी का वेट कर रहे हो,
किसी पर्सन का, जितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं उस पर्सन के लिए, जितने आपने उसके लिए इंतजार किया है, जितनी दुआएं मांगी हैं उस पर्सन के लिए, उसको चाहा है। तो यहाँ पे ये जस्टिस निकल के आ रहा है कि वो पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोर हार्ट से कि वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। आप उसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो बहुत टाइम से, कोशिश आप अपने लेवल पे हर वक्त करते हो। तो यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं गाइस कि हाँ, जस्टिस जरूर मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपके एफर्ट्स का, आपकी दुआओं का, आपकी सोल डिजायर का, आपके पेशेंस का, आपकी उम्मीदों का जस्टिस यहाँ पे हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे वो पर्सन जो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा था, आपकी फीलिंग्स को नहीं देख रहा था, तो गाइस मुझे नजर आ रहा है कि वो पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर गाइस आपके लिए रिस्पॉन्स जरूर करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। यहाँ पे है गाइस चांसेस, ओके गाइस। और सेवन चक्र है हमारे लिए, कार्ड निकल के आया तो सेवन चक्र माइज कि मैं मान सकती हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में गाइस आपके पास इतना अच्छा विजडम रहने वाला है कि आप अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजन लोगे। डिसीजन की एनर्जी बहुत ज्यादा गाइस। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि हार्ट के साथ जब डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाए तो लाइफ में तो बहुत कुछ होने वाला है ना, यानी आप एक नई राह पे आगे बढ़ने वाले हो। और ये कार्ड हमारे पास है ऑलरेडी, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कुछ लोग अपना एक नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, या तो वो दिल से ड्राइव होंगे या दिमाग से ड्राइव होंगे, पर लाइफ में आगे जरूर बढ़ेंगे। अब एक जगह रुक के नहीं लाइफ को जिएंगे, डिसीजन मेकिंग तो जरूर होगी गाइस। ये मुझे गाइस आपके लिए कार्ड नजर आ रहा है, ओके गाइस। तो है गाइस यहाँ पे, अब यहाँ पे चीजें गाइस इतने भी नजर आ रही हैं मुझे ज्यादा कि चेंजेस आ रहे हैं और रैपिडली बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, मैं मान सकती हूँ। अब हमारे पास दो ये कार्ड हैं गाइस और ये दोनों कार्ड मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स दे रहे हैं कि जिस एनर्जी में या जिस सिचुएशन में आप रुक गए हो, फंस गए हो बहुत टाइम से, चेंज नहीं आए हैं, या तो किसी का वेट कर रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या किसी एनर्जी में स्टक हो गए हो। अब ये एनर्जी कुछ ऐसी है एनर्जी गाइस, मुझे हल्की फुल्की डार्क एनर्जी भी नजर आ रही है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। लाइफ में आप नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा देख रहे हो और पॉजिटिव भी हो कहीं ना कहीं, लेकिन दोनों का ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है कि लाइफ में ना तो आप आगे बढ़ पाते हो, ना ही पीछे जा पाते हो, ना तो आप वेट कर सकते हो और ना ही आप वेट करना छोड़ सकते हो किसी का। तो ये कुछ है गाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाइस मैं देखूं तो ये एनर्जी कुछ इस तरह की निकल के आई है गाइस सारी की सारी, जिसमें एक रिश्तों की बहुत ज्यादा एनर्जी आई है गाइस, रिश्तों की बहुत ज्यादा एनर्जी आई है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। तो रिश्तों में कह सकती हूँ गाइस अपनों का, किसी अपने का इंतजार है, किसी के लिए है इंतजार कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए और फिर मैं आगे बढ़ूं। और गाइज मुझे नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है गाइज। एक ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो जिसके लिए आप निकलने को तैयार ही नहीं हो गाइज, आपने सोचा ही नहीं था कि मैं इन चीजों से निकल पाऊंगा, पर बहुत चीजें रिवील होने वाली हैं गाइज, जिन चीजों को लेके आपके सामने कह सकती हूँ एक वेल पड़ा हुआ था, पर्दा था, या वो चीजें सामने नहीं आ रही थी, सामने की तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो लौट के आएगा या नहीं आएगा, क्या वो आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, समथिंग लाइक क्या वो आपके लिए सपोर्टिव है नहीं है, कुछ भी हो सकता है गाइज यहाँ पे। तो ये चीजें गाइज हो रही हैं क्लियर और बहुत ज्यादा तेजी से होंगी, मे बी शायद गाइज आप उनको लिए, या तो मैं कह सकती हूँ लाइफ एकदम से बहुत रैपिडली गाइज चेंज हो रही है। और यहाँ पे गाइज आपको तैयार रहना नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि ये कार्ड आपको सीधे सीधे गाइज एक बोल रहा है कि तैयार रहो, बहुत रैपिड चेंज आ रहे हैं और बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं, सामने वाले की फीलिंग्स क्लियर होंगी गाइज, वो आपके लिए क्या फील करता है, क्या वो सच में इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में या नहीं है, यहाँ पे नजर आ रहा है आप एक बंधन से निकलने वाले हो गाइज। अब या तो आप आगे बढ़ोगे उस रिश्ते को, मूव ऑन करोगे,
या इस रिश्ते के साथ ही टाई अप हो जाओगे परमानेंटली। दोनों ही तरह की गाइज यहाँ पे एनर्जी है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी सच्चाई निकल के आ रही है और सच्चाई में भी शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा पेनफुल भी रहेगी। जैसा आपने सोचा था शायद वहां पे वैसा आपको आउटकम ना मिले। देखो मैं किसी का यहाँ दिल नहीं दुखाना चाहती, पर आपको मैं डिवाइन की तरफ से जो मैसेज यहाँ पे डिकोड हो रहा है, आपके लिए भेजा जा रहा है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप तैयार रहो। ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में आ जाओ, सैडनेस में आ जाओ और कोई गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले बैठो। तो डिवाइन ने आपके लिए एक डोर टू वैल्यू ओपन किया है, एक डोर ओपन किया है जहां एक नई राह आपके लिए खुल रही है, जहां पे सेल्फ वर्थ आपको नजर आएगी कि आपकी वर्थ क्या है और सामने वाला पर्सन आपकी क्या वर्थ रखता है। और कुछ लोगों के लिए गाइस ये भी कह सकती हूँ कि डोर एक ऐसा ओपन हो रहा है जहां पर खुशियों का दरवाजा खुल रहा है। कुछ लोगों के लिए क्या गाइस, सभी के लिए खुशियों का दरवाजा खुल रहा है। एक चाबी नजर आ रही है इस टावर मूवमेंट के साथ में। एक ऐसी सच्चाई निकल के आने वाली, एक ऐसा ओपन होने वाला है कुछ जो चाबी की तरह काम करेगा और आपके लिए फ्यूचर के दरवाजे खोल रहा है। जहां पर आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा एक अपने लिए भविष्य पाओगे। तो गाइज यहाँ डिप्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है ना, तो भविष्य आपका अच्छा उज्जवल खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए आप आगे बढ़ो गाइज, डिप्रेशन में गाइज बिल्कुल मत आना। अगर किसी की तरफ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स में मिलता है तो गाइज ये समझ लो कि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है और वो फ्यूचर आपके लिए ओपन हो रहा है गाइज, उसके लिए आगे बढ़ो। ये है गाइज, तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप स्टेबल हो रहे हो। जो भी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे थे हार्ट लेवल पे, कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि आप स्टेबल नहीं थे, बहुत ज्यादा दर्द में पेन में हर समय रहे हो गाइज, किसी के प्यार में बहुत ज्यादा तड़पे हो मैं कह सकती हूँ गाइज यहाँ पे। तो आपका एक फोर्थ चक्रा पे वर्क किया जा रहा है और आपकी बुद्धि को भी कहीं ना कहीं गाइज इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपको फ्यूचरिस्टिक होके गाइज सोचना है यहाँ पे। 24 आवर्स के अंदर बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको नजर आने वाला है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने लिए सोचोगे गाइज, अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है गाइज, ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइज। फ्यूचर ब्राइट है और बहुत बहुत ब्राइट है, यहाँ पे है गाइज। ऑल ओवर गाइज इंजॉयमेंट है लाइफ में, मतलब फील करोगे कनेक्शन, फील बहुत अच्छा हो रहा है, बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो रही है, इंजॉयमेंट हो रहा है कि अब एक कहते ना एक पेन में अकेलेपन वाली सिचुएशन से गाइज कहीं ना कहीं आप बाहर आओगे। जो बहुत ज्यादा अकेले अकेले सोचते रहते थे लाइफ में, अब क्या करूं क्या नहीं करूं कैसे आगे बढ़ूं, तो विजन क्लियर होगा। जैसे ही विजन क्लियर होगा ये चीजें होंगी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में, फिर आप अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे। अब फिर आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा, अकेलेपन में घुटना नहीं पड़ेगा, आप चीजें बहुत अच्छे से गाइस करोगे यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे है और एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, एक कनेक्शन बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो रहा है, मतलब कह सकती हूँ एक बहुत अच्छा कह सकती हूँ एक हार्ट लेवल पे फीलिंग शेयर हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से भी कार्ड है गाइस, तो एक नई शुरुआत भी है, बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ गाइस। ये कह सकती हूँ साइन लैंग्वेज होती है ना, हार्ट टू हार्ट लैंग्वेज एक साइन लैंग्वेज होती है, तो बिना कहे किसी के दिल की बातें समझ जाना और अपनी बातें दुनिया को समझा देना है ना। मतलब किसी से जब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो इंसान आपको बिन कहे भी आपकी आंखों में देख के, आपके चेहरे पे देख के बता सकता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का कनेक्शन भी मुझे नजर आ रहा है कि मतलब वो प्यार है एक हार्ट लेवल पे, या किसी के लिए कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो गाइज वो भी चीजें हो रही है कि मैनिफेस्टेशन यहाँ पे गाइज कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे गाइज सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि वो आपके लिए क्या फील करता है। तो गाइज यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी ये है गाइज, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको अपने पर्सन की तरफ से क्लैरिटी जरूर मिलेगी। ओके गाइज, तो ये रीडिंग थी, आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही होगी। एक दो गाइज मैं यहाँ पे एंजल गाइडेंस कार्ड निकालने वाली हूँ। मैं बहुत रेयरली निकालती हूँ एंजल गाइडेंस कार्ड, क्योंकि जब मुझे लगता है कि कुछ क्लेरिफिकेशन एक्स्ट्रा चाहिए तभी मैं निकालती हूँ।
प्लीज एंजल बताइए क्या गाइडेंस आप इनके लिए देना चाहते हैं, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज डिवाइन बताइए प्लीज। लिसन टू योर इंट्यूशन, कुछ समझ आया गाइज यहां पे? कि अपने दिल की आवाज सुनो, ये आपको जो कहते कि सिक्स सेंस मिल रही है उसको और सक्सेस है, तो भाई देखो डोर टू वैल्यू क्यों आया, तो आपके लिए सक्सेस है ना गाइज, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक शुरुआत भी नजर आ रही है, क्योंकि ये शुरुआत है गाइज और बहुत अच्छी अबंडेंस है, सक्सेस है। तो यह क्लैरिटी तो गॉड ने भी आपको दे दी ना गाइज यहां पे, कि जो भी अब होगा, जो भी शुरू होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, जिस भी चीज को लेके आप आगे बढ़ोगे, डिवाइन जिस रास्ते पे आपको लेके आएगी उसमें सक्सेस है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ है, एक नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। एक ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो जहां पर आप फंस गए थे, ना आगे बढ़ने के ना पीछे हटने के, तो यहां पे है गाइज, और आप आगे बढ़ोगे, अब पीछे हटने की कोई चांसेस नहीं है यहां पे गाइज, आगे बढ़ने के चांसेस है। सो गाइज ये रीडिंग थी, आई होप आपके साथ में रीडिंग गाइज रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो प्लीज लाइक कर देना, आपका अपना चैनल गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज मुझे माफ करिएगा, मैंने कैमरे की तरफ देखा ही नहीं, मेरे को सारे कार्ड्स मुझे लगा आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे पर नहीं आए गाइज, उसके लिए सो सॉरी, पर नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूंगी। गाइज अगर आपके साथ में वीडियो रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक कर देना, आपका अपना चैनल गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिवाइन को एंजल को गाइज थैंक यू बोलिए कि वो आपको इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे रहे हैं। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गाइज गॉड ब्लेस यू एंड गाइज बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।